भारत गुरुओं पीरों ऋषि मुनियों की धरा, जहां अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, जहां हर एक त्योहार, हर एक पूजा, हर एक व्रत अपना एक अलग, एक अनोखा महत्व रखता है। यह कथाएं, व्रत, पूजाएं इतनी अलग पहचान, इतनी महत्वपूर्ण बन जाती हैं कि उनको मनाने के लिए, उनके पीछे के दिलचस्प इतिहास के चिंतन के लिए एक विशेष दिन निर्धारित कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीम। तो आज है विश्वकर्मा जयंती, जो कि ब्रह्मांड के पहले शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ने व सुनने से पूजा संपन्न मानी जाती है। आइए सुनाते हैं विस्तार पूर्वक से आपको यह कथा। सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है, मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर सभा करने के लिए एकत्रित हुए। सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना रहे हैं, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए हमें अब तत्काल उनके कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यानपूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहा कि हमें ब्रह्मदेव की ही शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुन सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी भयभीत होते हैं, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या, जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं। उन राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा समर्थ हैं। आप लोग श्री विश्वकर्मा के शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगीरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित हैं, जो श्री विश्वकर्मा के भक्त हैं, वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। सुत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगीरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बातों को सुनकर अंगीरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं? दुखों को दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा सुने और उनकी उपासना करें। आपके सारे दुखों को विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगीरा की बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। उसके बाद अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया गया, श्री विश्वकर्मा कथा को सुना गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए, यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। इसलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है, वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। तो अर्थ प्रकाश टीवी की यह पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।